Excuse me. Jitesh, have you started Facebook Live? Yes, almost there. Okay. ओके ओके नमस्कार, आप सबका ई पाठशाला में स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हमारे एक एशियन मेडलिस्ट मिस्टर ओम प्रकाश कोट सर ने स्टार्ट किया था जब ई पाठशाला स्टार्ट हुई थी। उसके बाद रौनक पंडित जी ने पिस्टल की क्लासेस ली, फिर दीपक दुबे जी ने, फिर सुमा शरूर ने क्लासेस ली। अब वापस ओम प्रकाश जी क्लासेस लेने जा रहे हैं आज से। ये थोड़ा सा सिस्टम में हमने चेंजेस किए हैं। ओम प्रकाश जी आपको बेसिक्स दोबारा से रिपीट करवाएंगे और इसी बेसिक्स का डेवलपमेंट की क्लासेस कल लेंगे ये। सो आज की टॉपिक्स के ऊपर ओम प्रकाश जी जो क्लासेस ले रहे हैं उस क्लासेस के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पुट अप करें एंड ओम प्रकाश जी वन बाय वन आफ्टर द टॉपिक इज ओवर क्वेश्चंस का जवाब देंगे। सो ओम प्रकाश जी वेलकम, लेट्स स्टार्ट प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ई पाठशाला कार्यक्रम के अंदर। और आज हम फिर से काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से मेन टॉपिक हमने लिए हैं आज पोजिशन, ग्रीप और कॉलिंग। पोजिशन कैसे ली जाती है, ओपनिंग पोजिशन क्या है, राइट ग्रीप क्या है और जो है अपना होल्डिंग, होल्डिंग का मेन क्या रोल है, इनके ऊपर बेसिक में बताने के बाद में मैक्सिमम आज कोशिश ये की थी। आज हमारा ये है क्रॉस ओवर लेवल इन्हीं टॉपिक के ऊपर, इन तीन टॉपिक के ऊपर। कल हम जो है सेम टॉपिक के ऊपर एडवांस लेवल में बताएंगे आपको, डेवलपमेंट लेवल के ऊपर। तो टॉपिक कल भी सेम रहेंगे लेकिन कल हम इनकी बारीकियों में जाएंगे। आज हम इनका आपको बेसिक जो चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में जो न्यू शूटर्स के लिए काम में आती हैं, बहुत सी हेलो, वॉइस क्लियर है सर आपकी? वॉइस इज क्लियर। ओके, तो ये जो टॉपिक्स है आज पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद में कल आपको फिर से इन्हीं के ऊपर एडवांस लेवल पे बताया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके अंदर जो छुपे हुए फैक्टर्स होंगे
वो होंगे इसके अंदर कि आप जो है कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कई बार क्या है बेसिक में ही शूटर को अगर सही तरीके से नहीं बताया जाए तो वो उसके स्टार्टिंग से ही जब शूटिंग स्टार्ट करता है वहीं से पकड़ लेता है। और कुछ चीज़ें हैं यही इन्हीं में से जो कि हायर लेवल पे जाने के बाद में भी आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर देते हो और एक बहुत अच्छे लेवल पे जाने के बाद में आपको जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये नो ऑडियो नो वॉइस क्यों आ रहा है मैसेज? वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। नो ऑडियो एचपी हाँ नागेंद्र कैन यू प्लीज लॉग इन विद योर वॉइस बिकॉज ऑडियो हमको तो एकदम क्लियर आ रहा है ऑडियो। वो हाँ एब्सोल्युटली फाइन है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ऑडियो। ओके तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके इस पोजीशन से कि पोजीशन कैसे ली जाती है और उसके बाद में अपन ग्रिपिंग एक्शन के ऊपर जाएंगे और उसके बाद में जाएंगे अपन होल्डिंग के ऊपर कि होल्डिंग परफेक्ट तरीके से कैसे किया जाता है। और मैक्सिमम कोशिश कीजिए आप लोगों को कि आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेना चाहता हूँ कि 30 मिनट के बाद में मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर रखेंगे जिसमें कि आपको अगर इन तीन टॉपिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन राइज करें। हम ये अपन स्टार्ट कर देते हैं। पोजिशन ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं पोजीशन के अंदर जो अपने को ध्यान में रखने वाली चीजें होती हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फुट से, पैर का पोजीशन जो है वो होता है, उसके बाद में हिप्स का आ जाता है, शोल्डर की पोजीशन होती है, नेक की पोजीशन सही होनी चाहिए, हाथ की पोजीशन सही होनी चाहिए और आँख की। इन ये पोजीशन में नॉर्मली लोग क्या करते हैं सिर्फ खड़े होने के तरीके को लेकर के पोजीशन का चैप्टर वॉइस चली गई है फिर से। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हेलो आवाज आ रही है सर? विक्रम सर कैन यू हियर मी? विक्रम सर कैन यू हियर मी? सर वॉइस क्लियर है? सर आप बोल रहे हो और एक सेकंड बाद आ रही है और चल जाएगा। आ रही है? ओके एक सेकंड बाद आ रही है। एक सेकंड बाद आ रही है ठीक है। तो जब पोजीशन की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं खड़े होने के स्टांस को लेकर के या स्ट्रक्चर को लेकर के पोजीशन का चैप्टर खत्म कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ खड़े होने का तरीका या अपनी जो ओवरऑल बॉडी पोजीशन है ओनली वो ही पोजीशन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जितने बॉडी के पार्ट्स हैं उन सबकी एक निश्चित पोजीशन होती है, एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, वो करेक्ट होना चाहिए। तो पैरों की अगर अपन बात करें तो फुट पोजीशन जो सबसे स्टार्टिंग के पॉइंट है अपने टीम, इसके अंदर मैं आपको कल और ज़्यादा डीपली बताऊँगा। ये फुट पोजीशन मोस्टली ये है कि जैसे सबसे पहले तो पोजीशन जो है पोजीशन का अगर अपन हिंदी अर्थ लेते हैं तो आ जाता है आसन। तो आसन के ऊपर जब भी आते हैं तो आसन के ऊपर सबसे जो ज़्यादा बताया गया है पतंजलि के अंदर योग के अंदर तो इसके बारे में यह बताया जाता है कि स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर हो सुखदायक हो वही आसन है। ठीक है तो अपने को दोनों ही चीजें इसी शूटिंग में भी चाहिए, स्थिरता भी चाहिए पोजीशन से। सर ओम प्रकाश जी आप थोड़ा थोड़ा धीरे बोले बिकॉज क्या हो रहा है कि वॉइस शैटर कर रही है थोड़ी सी एको में। सो स्लो इफ यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर देन इट विल बी क्लियरर। थैंक यू। ठीक है तो क्या होता है कि आसन के अंदर आसन इन द सेंस कि अपनी पोजीशन पोजीशन हमारी एक तो अपने हमें स्थिरता देनी चाहिए और दूसरी चीज क्या है कि वो कंफर्टेबल हो, स्टेबल एंड कंफर्टेबल होनी चाहिए तो वो पोजीशन अपने लिए ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कई चीज़ों में क्या देखा गया है कि स्टेबल भी है कंफर्टेबल भी है
फिर भी उसके कुछ एक एरर आ जाते हैं, उस पोजीशन में कुछ एक एरर आते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेन हम अभी स्टार्ट करते हैं फुट पोजीशन से। तो फुट पोजीशन कैसा होना चाहिए, हल्का सा अगर अपन इसको डिग्री में नापें तो लगभग 22-22.5 डिग्री अपना टो की साइड से पैर खुला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो एडी का और पंजे का जो गैप है, नॉर्मली क्या है, जैसे हम विश्राम पोजीशन में अपन देखते हैं पैरों को खड़ा होने का तरीका, तो सेम वही तरीका वैसे ही पैर खुले रहेंगे, बस उनका अंदर का जो गैप है वो बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर वेट। अगर आपकी कंधे की जैसी भी चौड़ाई है, जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग जनरल एक तरीका लिया जाता है किसी भी शूटर को स्टेबिलिटी देने के लिए कि उतना वो पैरों को खोले और आगे से हल्का सा पंजा आपका बाहर की तरफ खुला हुआ रहेगा। इसके अंदर आप थोड़ा बहुत 10-20 जो परसेंट है अप डाउन कर सकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा क्लोज फुट में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा खोलते हैं, ये डिपेंड करता है आदमी की हाइट के ऊपर भी, आदमी के वेट के ऊपर भी, उसके बाद वो इवेंट पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग मल्टीपल इवेंट्स करते हैं, 1-2 कर्व करते हैं, 25 भी, 50 मीटर भी करते हैं, 10 मीटर भी करते हैं, तो जैसे रेंज का डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, लंबन चेंज होता है, तो ये स्टांस थोड़ा बहुत चेंज होता है। लेकिन हम बात मेनली करेंगे 10 मीटर की यहाँ पे। तो 10 मीटर के अंदर क्या है कि जनरल आपकी जो शोल्डर की जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग आपने पैर खोलना है और उसके बाद में नॉर्मल ये चेक करना है कि आपको स्थिरता मिल रही है। ये आप कैसे चेक करेंगे, आप आँख बंद करके खड़े होइए टारगेट के सामने अलाइन होने के बाद में, आँख बंद करके जब खड़े होंगे तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि हाँ, आँख बंद करके चेक कीजिए अपनी बॉडी का बैलेंस कि मेरी बॉडी मूव तो नहीं कर रही है, मेरी बॉडी स्विंग तो नहीं कर रही है, और उसके बाद में आप ये चीज़ पाते हैं कि हाँ ठीक है, स्विंग कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो आपको करेक्शन करना है, नहीं कर रही है तो ठीक है, उसके बाद आप उसी चीज़ को पिस्टल के साथ में चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपने पिस्टल हाथ में लिया, हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन आपको फिर से करना पड़े। घुटने की पोजीशन के ऊपर कोई बात नहीं करता है, नी पोजीशन अपना कैसा होना चाहिए, लोग घुटते हैं स्ट्रेट होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेट के ऊपर भी अपने को फोकस नहीं करना है और बेंड भी नहीं रखना है इसको। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने एक दो शूटर्स जो है वर्ल्ड कप के अंदर ऐसे देखे हैं जो बहुत पुराने एजेड शूटर हैं, अबाउट 50 ईयर्स एज हैं, वो लोग क्या है कि उनका नी को हल्का सा फोड़ रखते हैं, उनके जो घुटने हैं वो हल्के से मुड़े हुए रहते हैं उसके ऊपर वो कर रहे हैं। लेकिन 100 में से 1-2 शूटर अगर ऐसा कर रहा है, इट मीन्स कि ये उनके लिए सूटेबल है। हर आदमी इस चीज़ की नकल ना करे, नीज को नॉर्मल रखें लेकिन स्ट्रेट रहने चाहिए। उसके बाद में आ जाती है आपकी हिप्स की पोजिशन। हिप्स की पोजिशन कैसी होनी चाहिए कि हिप्स को जो है हल्का सा, दो तरीके से हिप्स लॉक किया जाता है, एक तो है टारगेट की तरफ हल्का सा पुश करके और एक है अपनी बॉडी को पीछे की तरफ थोड़ा सा जो है झुका करके। कई अगर आप शूटर्स की, मैं आपको कल इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा वीडियोस के जरिए, तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग शूटर, एक ही जो ओलंपिक के अंदर मेडल लेने वाला एक बंदा एक अलग तरीके से, सेम हाइट है सेम वेट है और अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग तरीके से शूटर जो है उसको फायर कर रहा है। एक बंदा ओलंपिक के अंदर गोल्ड ले रहा है, उसका पोजीशन अलग है, अगले ओलंपिक में दूसरा बंदा ओलंपिक में गोल्ड ले रहा है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, ये अलग हो सकता है। कई चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो चीज़ें हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। एक हाइट या एक जैसा वेट होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी बोन्स का जो वेट है, बोन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी मसल्स की जो पावर है वो एक जैसी हो, ये नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट होने से क्या होता है, एक ही जैसे लोगों की जो पोजीशन बॉडी वेट है वो अलग अलग थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन हो सकती है। चाइनीज एंड कोरियन, हम लोगों ने क्या किया है कि हमने अपने शास्त्रों को उठा करके कम देखा है और जब से इंग्लिश में किताबें आने लगी हैं फॉरेन कोचेज की, तो हम लोगों ने क्या नकल करना स्टार्ट किया है हर फील्ड के अंदर, चाहे वो योग के मामले में हो या चाहे आयुर्वेद के मामले में हो, किसी भी चीज़ में हम इंडिया से ही, वो कोई विदेश में गई है वही लोग हमें अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और उसको मान रहे हैं। तो जब इस चीज़ की बात आती है चाइनीज एंड कोरियंस की, तो दोनों ही कंट्रीज के अंदर अलग अलग तरीके से इस चीज़ को लिया। चाइनीज शूटर का थोड़ा सा स्ट्रेट पोजीशन है, वहीं रशियन लोग जो है बैकवर्ड थोड़ा झुके हुए हैं। राइफल शूटर्स को देखेंगे तो वो बॉडी को स्टेबल करने के लिए पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो वैसे ही हल्का सा कमर का जो राइट, अगर राइट हैंड से कोई शूट कर रहा है तो राइट वाला हिप्स जो है थोड़ा सा टारगेट की तरफ पुश करके
बॉडी को हल्का सा झुका करके भी स्टेबिलिटी थोड़ी सी गेन की जा सकती है, दूसरा पीछे की तरफ झुका करके भी गेन की जा सकती है। ये दोनों चीजें जो है डिपेंड करती हैं आपके प्रैक्टिस के ऊपर और कौन सी चीज को आपकी बॉडी जो है जल्दी और ज्यादा बेनिफिट आपको दे रही है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद में आ जाता है आपका अपर बॉडी का कि अच्छा इसमें कमर के हिस्से में एक चीज और ध्यान में रखने वाली चीज है, कुछ लोग क्या करते हैं जिनकी हाइट ज्यादा होती है या जिनका फिजिकल वीक होता है, जो लोग ज्यादा वर्कआउट नहीं करते, जिनकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ नहीं होती है, मोस्टली बच्चे इतनी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उन लोगों का क्या है कि कोर मसल्स मजबूत नहीं होती है। कोर मसल मजबूत नहीं होने से क्या होगा कि आपकी लोअर बॉडी तो अपनी जगह खड़ी रहेगी लेकिन अपर बॉडी ऊपर से ट्विस्ट हो जाएगी, तो वो ट्विस्ट होने से क्या होगा कि आपका जो ग्रुप का एरर है वो 1 से 7 बजे की लाइन में आता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा। कुछ लोग उसको बताएंगे कि 7 बजे शॉट आ रहा है, तो कुछ लोग जर्किंग बोल देंगे कि ट्रिगर भी जर्क है, लेकिन हर बार 7 बजे 7 o'clock शॉट आने से ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रिगर में ही जर्क कर रहे हो, कई बार कमर से ऊपर की बॉडी पार्ट अगर आपका ट्विस्ट कर रहा है तो उससे भी हो सकता है। 1 o'clock शॉट जाने के ऊपर कई लोग बोल देते हैं कि ट्रिगर की प्रॉब्लम है, ट्रिगर ज्यादा आगे हो सकता है या और कई सारे एरर हैं इसके अंदर, तो जरूरी नहीं है कि वो नहीं हो। तो कोशिश सबसे पहले अपन अगर किसी भी शूटर की ये चीज चेक करते हैं कि उसका एरर जो ग्रुपिंग में या किसी चीज में आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, अगर इस चीज पे अपन जाएंगे तो सबसे पहले पोजिशन चेक की जाती है कि पोजिशन में तो कोई एरर नहीं है क्योंकि ये बेसिक है। दूसरी बड़ी चीज को चेंज करने से पहले हम क्यों ना पोजिशन को लेकर के चलें, तो पोजिशन का ये कमर का ये चीज का एक अहम चीज है जिसको ध्यान रखना चाहिए कि ये ट्विस्ट ना हो अपर बॉडी। उसके बाद में शोल्डर की पोजिशन आ जाती है अपनी, शोल्डर के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो भी शूटर का आप देख पा रहे हैं फुट पोजिशन नॉर्मल है, लेफ्ट हैंड की पोजिशन नॉर्मल है, उसके बाद में शोल्डर आ गया। ये देखिए शोल्डर के ऊपर क्या है कि कुछ लोगों का केंट होता है पिस्टल जो कोहनी से थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, तो वो भी अपने को नहीं करना, उस चीज का ध्यान रखना है। उसका ध्यान रखने के लिए किया क्या जाए, ध्यान रखना है ये तो हर आदमी बोलता है लेकिन कैसे ध्यान रखा जाए, तो जब अपन पिस्टल को उठाते हैं, जब अपन पिस्टल को उठा रहे हैं उसी वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरा हाथ स्ट्रेट है। ये मोस्टली तब होता है कैंट वाली प्रॉब्लम कि जब पिस्टल उठाते टाइम अपन ध्यान नहीं देते हैं, पिस्टल को सीधा उठा के ऊपर लेके चले जाते हैं और नीचे लाते लाते अपना हाथ जो है वो कैंट हो जाता है। जैसे जैसे एमिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं, जितना एमिंग एरिया के नजदीक आते हैं उतना हमारा जो है हाथ कैंट हो जाता है, तो उसमें कोहनी का काफी रोल है आपकी एल्बो का, तो एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए और वो आपका 45 डिग्री के ऊपर ही आपने स्ट्रेट करके हाथ को ऊपर लेके जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं लगभग 60 डिग्री पे ही सीधा हाथ सीधा करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये एरर आ जाते हैं। गर्दन की पोजिशन, गर्दन की क्या है कि जो आपका गर्दन सही होने से फायदा क्या है कि जो आपका आंख का कार्निया है, आंख की जो पोजिशन है, आपकी जो आंख की पोजिशन है गर्दन से, सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि जो आपका ब्लैक होल है आंख का कार्निया है, ये स्ट्रेट फोकस करेगा आपकी जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर आपका जो फोकस जाएगा वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, आप एकदम जस्ट उसके पीछे से देखेंगे तो आपको विजिबिलिटी क्लियर रहेगी, उसकी जो एक मिराज जो बन जाता है साइड के ऊपर वो जो छाया सी एक बन जाती है या साइड धुंधली दिखती है या टारगेट फोकस हो जाता है या फिर एंगुलर जो एरर आ जाते हैं वो नहीं आएंगे अगर आपकी कार्निया स्ट्रेट है। कार्निया स्ट्रेट रहेगी जब आपकी गर्दन स्ट्रेट रहेगी, तो गर्दन का भी काफी रोल है, गर्दन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड के ऊपर जो मैं बता रहा था लेफ्ट हैंड का पोजिशन देख सकते हैं कि स्ट्रेटस जितना हो सके लेफ्ट हैंड की कोहनी आपकी बॉडी के पास में रहे, जितना दूर रहेगी ये आपके बैलेंस को खराब करेगी। ठीक है, गर्दन का बता दिया मैंने, कंफर्टेबल तो होना ही चाहिए, उसके साथ में आपकी कार्निया एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर रहनी चाहिए, तो गर्दन झुकी हुई है किसी, ये इस सूटर की भी आप देख सकते हैं कि एकदम जस्ट इसकी हेड पोजिशन एकदम सही है, स्ट्रेट देख रहा है, झुकी हुई नहीं है गर्दन, और इसका जो लेफ्ट हैंड है वो उसकी बॉडी से लगा हुआ है, कोहनी उसकी बॉडी से लगी हुई है, उसका जो लेफ्ट हैंड है हाथ है वो जेब में ना हो करके उसके बेल्ट के हुक में उसका अंगूठा लॉक किया हुआ है, अंगूठे से पकड़ा हुआ है,
तो इससे क्या होगा कि ये शूटर अपनी कमर को ट्विस्ट करने के लिए ताकत नहीं लगा पाएगा। सबकॉन्शियसली कई बार क्या होता है मैच के दौरान जब अपना फोकस दूसरी चीजों पे है तो हम बॉडी को रिलैक्स करने के लिए या उसका सपोर्ट लेने के लिए हम हाथ से जेब के अंदर प्रेशर मारना शुरू कर देते हैं और उससे क्या होता है अपनी कमर ट्विस्ट हो जाती है और उससे फिर चाहे कितना भी एफर्ट लगाओ कितना भी सही शॉट छोड़ो शॉट सही जगह पे नहीं लगता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो हाथ है वो यहाँ पे इस जगह पे रहे और लेफ्ट हैंड जितना हो सके बॉडी के पास में रहे। यहाँ पे अगर आप हाथ लेके आएंगे बेल्ट के हुक में तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली बॉडी के पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन से लेकर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो बता सकते हैं चैट बॉक्स में। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सानिया सेइंग कि सर अगर रन नहीं कर सकते तो क्या करें। सो वेल आपके पास स्किपिंग रोप है कार्डियो करने के लिए, रनिंग नहीं कर पा रहे तो स्किपिंग कर सकते हैं आप, स्पॉट रनिंग कर सकते हैं। सो कार्डियो वर्कआउट कैन हैपन आराम से। अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है सर। एक नया क्वेश्चन, सॉरी टू न्यू मोर क्वेश्चंस हैव कम अप। वन सेकेंड सर, लेफ्ट लेफ्ट लेग के बॉटम में पेन होने लगा है, क्या रीजन है उसका? लेफ्ट लेग के बॉटम में पैर में नीचे मतलब इनके तलवे में पेन हो रहा है। आप एक चीज चेक कर सकते हैं, या तो आप सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि फ्लैट फुट तो नहीं है, फ्लैट फुट वालों को ये दिक्कत होती है। और अगर लेफ्ट फुट के तलवे में अगर पेन है तो आप थोड़ा सा पोजिशन जो पैर की है हो सकता है कि गलत है। अगर कोई शूज इस्तेमाल कर रहे हैं, जूता जिस जो पहन रहे हैं, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पंजे में पेन होना इज नॉट योर पोजिशन फॉल्ट, ये नहीं हो सकता। या फिर आपकी बॉडी झुक रही है काफी, लेफ्ट पैर पे ज्यादा वेट होने की वजह से भी हो सकता है। अगर आप पीछे की साइड में ज्यादा झुक रहे हैं तो भी ये हो सकता है आपको, तो इस चीज का आप ध्यान करें कि पीछे की तरफ ना झुक रही हो। फ्लैट फुट सबसे पहले चेक करें और उसके बाद में अपनी पोजिशन को चेक करें। अगर ये तीनों चीजें में से कोई सी भी चीज में मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा, लेफ्ट पैर पे ज्यादा वेट देंगे, एक्स्ट्रा वेट देंगे तो भी आपको लेफ्ट पैर में पेन हो सकता है। आंख की रोशनी के लिए क्या करें, ये एक सवाल आया है। इसमें त्राटक कर सकते हैं आप, सबसे बेटर है। और आजकल मोस्टली स्कूलों में तो स्टडी शुरू होगी तो वो भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये क्लास की है, उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग सोशल मीडिया पे भी लगे हुए हैं। तो खीरा काट करके आँख पे रखें या फिर कॉटन के ऊपर दही लगा करके वो आँख के ऊपर रखें तो उससे आप जो आपकी काफी ठंड महसूस करेंगी, बहुत फायदा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर मैं कमर ट्विस्ट ना करूं तो बैलेंस नहीं हो पाता है सर? वो आपको लगता है कि बैलेंस नहीं हो पाता है, कमर ट्विस्ट करने से बैलेंस खराब ही होगा, वो कंफर्टेबल की आदत पड़ गई है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कमर ट्विस्ट करने से कभी भी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। सर पोजीशन को कैसे चेक करें? पोजीशन को चेक ऐसे करें कि आप अपनी शूटिंग पोजीशन में जैसे भी खड़े हो रहे हैं खड़े हो जाइए और उसके बाद में विद पिस्टल और विदाउट पिस्टल दोनों ही तरीके हैं चेक करने के। पिस्टल को आप साथ में लेकर के टारगेट में एम कर लीजिए, एम करने के बाद में आप ब्लैक के नीचे जहाँ भी आपका एमिंग एरिया है वहाँ साइड को रख करके आँख बंद कर लीजिए और सेम पोजिशन में रहिए 10 से 15 सेकेंड के बाद में आप वापस आँख खोल के देखिए कि आपकी साइट कहाँ पे है। अगर टारगेट से एकदम बाहर निकल गई है तो आपको पता चल गया कि आपकी पोजीशन में कितना एरर है, आपकी मसल मेमोरी गेन नहीं हुई है। बहुत ही नया शूटर है तो उसके लिए तो ये सवाल ही पता नहीं होता है, लेकिन अगर पुराना शूटर को चेक करने की मेरी पोजीशन सही है कि नहीं है तो
तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर पिस्टल से एम कर लो, और एम करने के बाद में आइज क्लोज कीजिए और देखिए 10 से 15 सेकंड बाद में अगर वो वहीं पे है या उससे 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास है, या फिर ये मान के चलिए कि टारगेट के अंदर भी अगर आपकी साइट है, इट मीन्स कि यू आर गुड इनफ। लेकिन अगर टारगेट ही छोड़ देती है पिस्टल, इट मीन्स कि आपकी मसल्स इतनी डेवलप नहीं हुई है, मसल मेमोरी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि आप क्वेश्चन के ऊपर कुछ कह सकें। क्वेश्चन मतलब गलत गलत है ये नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि क्वेश्चन पे पूरा काम नहीं हुआ है। क्वेश्चन है सर, ग्रिप साइज सही है या नहीं, कैसे पता करें? ग्रिप साइज, ग्रिप अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ग्रिप साइज सही है या नहीं है वो आपके हाथ के हिसाब से पता चलेगा कि ग्रिप में आपको कितना गैप महसूस हो रहा है। देखिए ग्रिप में एक तो ये नीचे का एरिया है जहाँ पे आपको गैप मालूम हो सकता है कि मेरा गैप है, दूसरा ये जो ऊपर का एरिया है यहाँ पे आपको अगर बहुत गैप है तो आपको लग सकता है कि मेरा ग्रिप बहुत बड़ा है या बहुत टाइट है। टाइट होगा तो आपका मोस्टली क्या होगा, यहाँ से पिचक जाएगा, यहाँ से पिचकेगा, तो ये भी गलत है। और ढीला है ज्यादा ग्रिप तो आपको कहीं फील ही नहीं होगा, फिर आपको उंगलियों से पकड़ना पड़ेगा ग्रिप को रोकने के लिए। तो आपका जनरली आपके साइज का ग्रिप होना चाहिए, कई साइज में ग्रिप आता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तक ग्रिप आता है, तो आपके हाथ के अकॉर्डिंग आपने ग्रिप लेना है। मोस्टली थोड़ा बहुत अगर बड़ा है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होगा तो क्या होगा, आपके हाथ के ब्लड फ्लो को रोक देगा वो, तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक है। बड़ा थोड़ा सा अगर है तो इट्स नो प्रॉब्लम, आप उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा है तो भी प्रॉब्लम। सर अगर हमारी बॉडी कंफर्टेबल है फिर भी हमारा बॉडी हिले तो क्या करें? कंफर्टेबल है और हिले तो इट मीन्स कि कंफर्टेबल ही है, सही नहीं है। कंफर्टेबल होना और सही होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि स्थिरता अगर नहीं दे रहा है कोई भी आसन तो आसन की दोनों चीजें सिद्ध नहीं हुई। स्थिरम सुखम आसन, स्थिर हो सुखदायक हो तब वाला कि वो आसन है। तो वो सुखदायक तो है आपके लिए लेकिन स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है इसका मतलब आपको स्थिरता पर काम करना है, या तो वो जो तरीका, देखो कंफर्टेबल तो कई तरह के पोजिशन है वो हो सकते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी साथ में आपको दे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है इट मीन्स कि वो सही नहीं है, उसको फिर चेक किया जाना चाहिए। वो जो मैंने तरीका बताया पोजीशन को चेक करने का कि आप आंख बंद करके चेक कीजिए। दूसरा और एक तरीका है कि आप आंख बंद करके खड़े हो जाइए बिना पिस्टल के, एकदम हाथ खाली हाथ पिस्टल की तरह एम करके खड़े हो जाओ और आंख बंद करके चेक करो कि आपकी बॉडी कितनी स्विंग कर रही है, कितनी हिल रही है। नॉर्मली क्या होता है आंख खोल करके जब हम चेक करेंगे तो बॉडी हिलती हुई महसूस ही नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आंख बंद कर लेंगे तो हमें जो आंख से जो दृष्टि से जो स्थिरता मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएगी, और उसके बाद हमें अपनी मसल मेमोरी के ऊपर अपनी बॉडी को स्थिर रखना होता है। जैसे कि हमें एक क्रिकेट के मैदान में अकेले को खड़ा कर दिया जाए और आंख बंद करके दौड़ने के लिए बोलो तो भी दौड़ नहीं पाते हैं, हमारी स्पीड उतनी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें स्थिरता नहीं मिल रही और हमारे दिमाग के अंदर वो चीज वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमें वो नहीं बोल रहा है कि नहीं ठीक है सर, हमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, आई एम अ राइट हैंडेड पर्सन बट माय आई फोर्स इज लेफ्ट आई, व्हाट डू आई डू? मास्टर आई इनकी लेफ्ट आई है बट राइट हैंड शूटर है, तो बेसिकली ब्लाइंड ब्लाइंडर लेफ्ट आई पे लगा लें तो देन दे इक्वल, यू बिकम इक्वल। राइट, ये मैंने इसके ऊपर मेरे कल की गुरु से बात हुई थी, मैं चर्चा कर रहा था। एक्चुअली मेरे बेटे का भी सेम प्रॉब्लम है, जब मैंने उसको लास्ट टाइम स्टेट खिलाया था तो मुझे पता ही नहीं चला, वो आई ब्लेंडर यूज करने से मना कर दिया था। जब मैंने उसको शूटिंग क्लासेस दिए तो वो बोले नहीं इसमें मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे ही करूँगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, लेफ्ट आई बंद करके शूट करते हैं, वो राइट आई बंद कर रहा और राइट हैंड से शूट कर रहा, तो ये टोटली गलत है। तो मुझे पहले दो तीन दिन तो मैंने इस पर नोटिस ही नहीं किया, बाद में नोटिस किया तो मुझे पता चला कि ये सीन है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये मास्टर आई का रोल तब आपका स्टार्ट होता है जब आप आई ब्लेंडर यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप आई ब्लेंडर यूज, सबसे ईजी तो ये है, आपकी मास्टर आई बेसक राइट है, आप लेफ्ट यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट तो क्या बोलते हैं कि लेफ्ट, अगर आपकी मास्टर आई राइट नहीं है तो आप लेफ्ट आई मास्टर आई है तो आप लेफ्ट हैंड यूज करो, लेकिन लेफ्ट हैंड यूज करना इज नॉट इजी, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए तो लेफ्ट हैंड ही होना बहुत जरूरी है। आप उतनी कंफर्टेबल और स्टेबिलिटी आप एकदम से हाथ चेंज करेंगे तो नहीं गेन कर पाएंगे। तो करना क्या है, आप आई ब्लेंडर आ गया तो आई ब्लेंडर आप अगर राइट हैंडेड है तो आप लेफ्ट आई के ऊपर आई ब्लेंडर लगाइए, दो चार पांच दिन आपको लगेगा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
क्योंकि मास्टर आई चेंज करना वो नहीं है, नहीं हो सकता है इतना इजीली, और हाथ चेंज करना भी इजीली नहीं हो सकता है। या तो दोनों आंखें ओपन करके किया जाए तब हो सकता है, या फिर दोनों आंखें ओपन करेंगे तब भी ये जो मास्टर आई वाला प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम देगा आगे। इसके अंदर भी आपको मिराज बनेगा, आपको साइड डबल दिखनी शुरू हो जाएगी, आपको इतना इजी फोकस नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिए कि लेफ्ट आई के ऊपर ही आई ब्लेंड लगाइए और राइट आई से शूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई ब्लेंड लगा लेंगे तो प्रॉब्लम खत्म है, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। सो माय आईज आर वेरी वाटरी, हाँ त्राटक कीजिए सबसे बेस्ट है, त्राटक करना जरूरी है शूटर के लिए, त्राटक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। वॉटरी है तो भी, ड्राई आईज है तो भी, क्योंकि हम क्या करते हैं बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हम आंखों का यूज ज्यादा कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है पढ़ रहा है, आजकल मोबाइल लैपटॉप टीवी इनका भी यूज कर रहे हैं, पहले ये सब नहीं होते थे। उसके बाद हम अगर शूटर हैं तो हम साइट को देख रहे हैं कई कई घंटों तक, तो आंख का इस्तेमाल तो हम पूरा कर रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसकी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको रिलैक्स देने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ये इसका अपने को करना चाहिए, ट्राटक करें ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, आंख की पावर बढ़ जाएगी। When I take position for practice, then both my legs move outside. Question position, both my legs move outside. So, यानी ये खड़े होते time इनका balance outwards हो रहा है। समझा नहीं इनकी problem। हाँ, कह रहे हैं कि when I take position for practice, then both legs move outside. आप अपना सवाल थोड़ा ढंग से मुझे दोबारा से करिए, आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, आपको गलत जवाब नहीं देना चाहता। सर इन पोजीशन राइट हैंड साइड चेस्ट में पेन होता है और सांस नहीं रोक पाती, सो बेसिकली शी हैज अ प्रॉब्लम इन होल्डिंग द गन एंड ब्रीदिंग टुगेदर। होल्डिंग के टाइम पे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जब हाथ उठाते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर व्हेन वी लिफ्ट हैंड वी शुड क्लोज आईज और नॉट while bringing the hand on the target? No need to close eyes. आप normally हाथ उठाइए, हाथ जब उठाते हैं ऊपर की तरफ तो ऊपर लेके जाइए और लगभग आपका हैंडल 10 degree पे जाता है, उतना ही उठाइए, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की उठाने की जरूरत नहीं है। वहां से जब वापस लेके आ रहे हैं तो वहां रोकिए, उसके ऊपर भी अपन मेरा टॉपिक है ये, तो उसके ऊपर जाने के बाद वहां पे क्या है कि वहां साइड को मिलाइए और मिलाने के बाद में और वहां ऊपर जाते हुए सांस लेते हुए जाइए और वापस आते टाइम पे एक्सहेल करते हुए आइए और साइड को मिलाइए, वहां पे मिलाने के बाद नीचे की तरफ बढ़िए। ये प्रिपरेशन एरिया है यहाँ पे जिसकी कोई भी बात नहीं करता है और मैं इस चीज पे सबसे ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि विदाउट प्रिपेयर हुए आप एमिंग एरिया में आ गए, आपने साइड के ऊपर फोकस नहीं जमाया, आप ट्रिगर फिंगर आपकी रेडी नहीं हुई और आप एमिंग एरिया में आके खड़े हो गए, तो क्या होता है कि ना तो पॉजिटिवली ट्रिगर प्रेस हो पाता है, ना साइट के ऊपर आंख जमी हुई है, ना साइट आकर के स्मूथली एमिंग एरिया में रुकती है, तो क्या होता है बिना कॉन्फिडेंस के हम जो है शॉर्ट फायर कर देते हैं, तो मजबूरन करना पड़ता है, कितनी देर लॉन्ग होल्ड करके रखेंगे, तो लॉन्ग होल्ड के बाद हमारी सांस भी घुटनी शुरू हो जाती है, तो प्रॉब्लम समस्याएं की जो जननी है वो क्या होगी आपकी, एक तो वहीं से स्टार्ट होगी कि आपने प्रिपरेशन एरिया में प्रिपेयर नहीं हुए और दूसरा एमिंग एरिया में आके लॉन्ग होल्ड कर दिया, तो वहाँ आपकी समस्या ज्यादा ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो भी नहीं करना है। सांस को लेते हुए उठाना है, छोड़ते हुए आना है। कई शूटर्स क्या होता है प्रिपरेशन एरिया में ज्यादा टाइम लग गया, तो जरूरी नहीं है कि एक ही एक्सेल में आप एमिंग एरिया में पहुंच जाएं, एक पहला एक्सेल करते हुए अगर टारगेट के ऊपर जो लाइट होती है या आप इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पर फायर कर रहे हैं तो टारगेट की जो फ्रेम है ऊपर से स्टार्ट होती है, वहां पहुंचे हैं और वहीं पे आपका पूरा एक्सेल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे रुकिए 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, वहां दोबारा दूसरा सांस लीजिए, दूसरा सांस लेके फिर से एक्सेल करते हुए आइए, और जब आप एंडिंग एरिया पे पहुंच जाते हैं तब आपका लगभग 70% एक्सेल हो जाना चाहिए,
30% आपका ऑक्सीजन बचना चाहिए आपके पास में, जो आपको अगले 7-8-5 सेकंड जब आप ट्रिगरिंग फिनिश करने वाले हो तब आपको वो आपका काम चला दे, और उस ड्यूरिंग आपने ट्रिगर को फिनिश कर देना है, और उस ड्यूरिंग आपकी ब्रीथ जो है वो स्टॉप होनी चाहिए, रुकनी चाहिए ब्रीथ कंफर्टेबली, वो अपने आप रुक जाएगी जब आप चाहोगे तो। क्योंकि दोस्त जब सांस लेते हैं, हम छोड़ करके वापस लेते हैं, तो तब क्या होता है कि एक एक पीरियड आता है, वो हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि किसने कितना कार्डियो किया हुआ है, किसने कितना प्राणायाम किया हुआ है, कि 1-2-3-4 सेकंड का एक गैप आता है, वफा आता है, उसके दौरान ना तो हम सांस ले रहे होते हैं ना छोड़ रहे होते हैं। एक सांस पूरी एक्सहेल हुई, उसके बाद 2-3 सेकंड का गैप रहता है, फिर हम इनहेल करना शुरू करते हैं, तो उस ड्यूरिंग में फायर हो जाए तो दी बेस्ट है, वो टाइमिंग आपने हिट करना बहुत जरूरी है अगर वो पकड़ पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि 20-15-20-30% ऑक्सीजन आप रखिए अपने पास रिजर्व में और उस ड्यूरिंग में फायर कर दीजिए, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें हर बार आप उतना ही ऑक्सीजन अपने अंदर रखें, नहीं तो अगर कई बार आपने पूरा एक्सहेल करके रोका, कई बार 30% अपने अंदर ऑक्सीजन रख लिया, तो उसमें क्या होगा हर जगह आपकी ग्रुपिंग चेंज होती जाएगी, हर बार एक शॉट ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे से लगते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि फुल आप इसको ट्राई करना हो तो ब्रीथ पूरा इन करके शॉट फायर कीजिए और पूरा आउट करके एक्सहेल करके इनहेल करके फायर कीजिए, दोनों के ग्रुप अलग आएंगे, तो ये क्या है, साइट आप सही देख रहे हैं, ग्रिपिंग वही है, सब कुछ सेम है, फिर भी आपका ब्रीथिंग का इतना रोल है कि आपका ग्रुप अलग अलग जगह पे बना देगा, जितना ग्रुप ब्रीथ इनसाइड है आपके अंदर है लंग्स में, उसके हिसाब से उतना परसेंट एंगुलर एरर आ जाएगा, उतना ग्रुप का ऊपर जाएगा, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें, या तो कंप्लीट एक्सहेल होकर के रुका हुआ हो उस जो 2-3 सेकंड का गैप आपको मिल रहा विंडो मिली है उसमें, या फिर आप 30% या 20% अपने अंदर रखिए और उसके ड्यूरिंग आप फायर कीजिए। सर आई एम टेकिंग माय स्टांस इन 45 डिग्रीज नॉट 90 डिग्रीज ओके एंड इन दिस केस देन बोथ लेग्स मूव आउटसाइड 45 डिग्री पे 90 डिग्री नहीं खड़े होते हैं, वो लोग 90 डिग्री पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि टारगेट की तरफ थोड़ा सा घूम करके खड़े होते हैं, सो कि नो प्रॉब्लम। तो इसमें अगर आपका आउटवर्ड अगर पैर जा रहे हैं तो कोई इसका मतलब आपका ये है कि आपका एडी का जो बैक पैर का जो एडी है, एडी और पंजे का कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो जितना आपकी बॉडी तो ज्यादा लेके जा रहे हैं आप और पैर कम लेके जा रहे हैं, या फिर पैर आपके कम है बॉडी ज्यादा घूम रही है, तो आप अपर बॉडी और लोअर बॉडी का तालमेल बिठाइए, क्योंकि आपकी लोअर बॉडी तो जो है वो बाहर की तरफ रह गई है और कमर से आप फिर ट्विस्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ बॉडी, तो पैर का नीचे का प्रेशर आपका इधर है और आप इधर टारगेट की तरफ अपर बॉडी घूम रही है आपकी, तो आप इसको या तो थोड़ा सा और घूम जाइए टारगेट की तरफ या फिर अपर बॉडी को ट्विस्ट करना बंद कीजिए, दोनों में से एक कारण आपका हो गया। सर कैन वी वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो यू कैन कैरी ऑन विद दैट। ठीक है, हम ग्रिप के ऊपर चलते हैं अभी, अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ग्रिप पे आगे, ये ग्रिप के ऊपर मैंने बताया हुआ है, देखिए ये एक पॉइंट है, ग्रिप के अंदर मोस्टली तो तीन पॉइंट बताया था मैंने, दो तरीके से ग्रिप की जा सकती है, एक तो अपना एक पॉइंट सिंगल पॉइंट के ऊपर ग्रिप है और एक है तीन पॉइंट के ऊपर ग्रिप। तो पहले मैं बताता हूँ आपको सिंगल पॉइंट वाली ग्रिप, जो अपने ट्रिगर फिंगर के नेक्स्ट वाली जो उंगली है उस उंगली का जो बीच का पैर हुआ है उसका रोल है जो सिंगल पॉइंट वाली ग्रिप है उसके अंदर, जिसको मध्यमा उंगली बोलते हैं, और इसका जो मध्य बीच वाला पैर हुआ है ये मध्यमा बंद बोला जाता है इसको, तो मध्यमा बंद से अगर आप ग्रिप बनाते हैं तो आपको कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, इस ये जो ट्रिगर फिंगर के बाद में जो आपको ये ब्लू कलर का मार्किंग निशान दिख रहा है, आप इससे एग्जैक्ट 90 डिग्री पीछे की तरफ आप इसको हल्का सा प्रेशर लगाते हैं, पीछे से आपका प्रेशर नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ सपोर्ट कर रहा है और आपकी ग्रिप हो गई उसके ऊपर सेट। ये नॉर्मल बेसिक तरीका है आपका ग्रिप करने का, राइट वे है ग्रिप करने का, ये वन पॉइंट ग्रिप कहलाती है कि आपने एक पॉइंट के ऊपर ग्रिप के ऊपर फोकस किया और ओवरऑल नॉर्मल रहने दिया, आपकी ग्रिप हो गई है।
उसके बाद में है थ्री पॉइंट वाली ग्रिप। थ्री पॉइंट वाली में ग्रिप में क्या है कि आप तीन जगह से प्रेशर लगाते हैं, उसके बाद वो अपने डेवलपमेंट लेवल पे कल बताएंगे। और ग्रिप को पकड़ने का जो एक एग्जांपल है वो ये कि होल्ड लाइक ए डिस्पोजल ग्लास ऑफ वाटर। अगर डिस्पोजल ग्लास आप 2 साल के बच्चे को भी देंगे तो वो भी उसको ठीक से पकड़ लेगा, क्योंकि उसको भी हाथ में लेते ही पता चल जाता है कि इसको अगर पिचका दूंगा तो पानी या जूस जो भी उसके अंदर है वो गिर जाएगा, ग्लास टूट जाएगा। तो ग्रिप को ऑलमोस्ट आप ऐसे ही पकड़े, क्योंकि ग्रिप को अगर बहुत कुछ लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लेते हैं और अलग अलग तरीके से साइंस उसमें लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस जितना आप उसमें टेक्नोलॉजी लगाएंगे उतना ज्यादा खराब होता जाएगा। सिंपल बेसिक ग्रिप है कि आप ये जो आपके ट्रिगर के नेक्स्ट 4 जो फिंगर है उसके ऊपर आप इसको ग्रिप को बिठाइए, ग्रिप को इससे प्रेशर मारिए बीच वाले पैर में से पीछे की तरफ हल्का सा, और बाकी जो नीचे की दोनों उंगलियां हैं उनसे हल्का हल्का लगा रहने दीजिए, प्रेशर मारने की जरूरत नहीं है। और आपकी जो अंगूठे और जो ट्रिगर फिंगर के बीच का जो एरिया बच गया वहां आपकी पिस्टल की गर्दन आपने उससे पकड़ी हुई है, और वो पीछे का जो पूरा हिस्सा है वो आपको सपोर्ट दे रहा है पीछे की साइड से। तो ये आपकी बेसिक नॉर्मल ग्रिप बनेगी स्टार्टिंग के लिए। ग्रास रूट पे आप इससे ज्यादा ग्रिप के अंदर फोकस ना करें, ना ही ग्रिप को बनाएं। बहुत से लोग ये हैं कि 6 महीने भी नहीं हुए शूटिंग करते हुए ग्रिप में अल्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं, ग्रिप को मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा करोगे तो आपको जो एक बूस्टर मिलना है आपकी शूटिंग के अंदर आगे जाकर के वो नहीं मिलेगा। आप पहले आपको समस्या ही नहीं हुई, आप समाधान पहले से किए बैठे, मतलब बीमारी नहीं है, दवाई पहले से ले रहे हो। पहले बीमारी खुद शूटर को फील करने दीजिए। अगर शूटर बोलता है कि मुझे यहाँ से गैप लग रहा है, यहाँ मेरे को चुभ रहा है, यहाँ मेरा साइड लेफ्ट या राइट जा रहा है, तब जाकर के कुछ उसमें करेक्शन करने की जरूरत होती है। उससे पहले उस चीजों को मत कीजिए। किसी भी कुछ पुराने शूटर से एडवाइस कर देते हैं, कुछ कोचेज एडवाइस कर देते हैं इस चीज को कि ग्रिप बना लो, अगर ढीली लग रही है, ग्रिप में गैप दिख रहा है तो उसके अंदर आपने ऐड करना शुरू कर दिया। ये तब तक मत कीजिए जब तक शूटर खुद डिमांड नहीं करता है, और शूटर खुद डिमांड करने लायक तब हो जाएगा जब उसको मिनिमम 1 साल शूटिंग करते हुए हो गया, तब जाकर के वो इस चीज को समझ पाएगा कि ये चीज इस ये करने से मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा या नहीं होगा। तो शूटर बोलेगा तब जाके कीजिए। कई मैंने शूटर्स देखे हैं जो जिनको अभी तक ग्रिप का बेसिक नहीं पता है और वो ग्रिप बढ़िया पता नहीं कहाँ कहाँ से बनवा बनवा करके आ गए हैं, तो वो सब चीजें मत कीजिए आप स्टार्टिंग के अंदर। ये ग्रिप के अंदर था। ग्रिप का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। देखिए इसमें ग्रिप के अंदर होल्डिंग के कई तरीके हैं। जनरल होल्डिंग जो मैंने आपको बताई ग्लास की तरह आपने पकड़ लिया। रॉन्ग होल्डिंग, रॉन्ग होल्डिंग क्या है कि देखिए सबसे पहले हमें शूटिंग में जो प्रॉब्लम होना शुरू होती है वो बाद में शुरू होती है। जनरली आपने देखा होगा किसी भी आपने कभी किसी पेरेंट्स को फायर कराया होगा या किसी बच्चे को पहली बार फायर कराया है तो वो क्या करता है, पिस्टल उठाई टारगेट में ले गया ठक से दबा दिया ट्रिगर, एक मतलब सेकेंड भी डिले नहीं करता है, तुरंत दबा देता है। उस टाइम पे उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है शूटिंग की। धीरे 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 क्या कर देता है कि जैसे ही शूटर पुराना होता है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम्स बढ़नी कहाँ से शुरू हुई, वो प्रॉब्लम तब बढ़ी जब उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अब उसको क्या करना है, उसको शॉट चलाने से मतलब नहीं है। जब नया एक विजिटर आता है शूटिंग करने के लिए तो वो सीधा पिस्टल उठाता है टारगेट में ले गया, जितना बताया उतना वैसा साइड मिलाया और उठा के ट्रिगर दबा दिया। उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्रिप नहीं चुभ रही है, कोई साइड देखने में प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। ना उसको नॉलेज है ना उसको प्रॉब्लम है, दोनों ही चीजें नहीं है। लेकिन जैसे जैसे शूटर को नॉलेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जो आते ही शूट कर दिया था एक विजिटर ने वो शूटर करना बंद कर देता है, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है। लॉन्ग होल्ड करना, ब्रीथ, साइड नहीं दिख रही है, सारी कंप्लेंट्स तब शुरू हो जाती है। तो ये कैसे हुई, ये हुई आपकी एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट हो गया। ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन ही सब कुछ करवा रही है आपको। तो ये एक्सपेक्टेशन के चक्कर में आने के बाद में हमने जो है ट्रिगर दबाना डिले कर दिया, ग्रिप पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। तो जो रॉन्ग ग्रिप है, रॉन्ग ग्रिप मोस्टली क्या करते हैं शूटर, वो टाइट ग्रिप करना शुरू कर देते हैं। कुछ शूटर्स क्या करते हैं अंगूठे का प्रेशर मारना शुरू कर देते हैं ग्रिप के ऊपर। कुछ क्या करते हैं उंगलियों का जो टिप है, जो एंड होता है उंगली का, वहां से उनको प्रेस करना शुरू कर देते हैं। उंगलियां एकदम आगे से ब्लड नहीं रहता है उनके अंदर और वाइट होनी शुरू हो जाती है। आपकी उंगलियों की जो टिप है वो हमेशा पिंक रहने चाहिए, उनमें ब्लड रहना चाहिए, इससे पता चलता है कि आपने उसको बहुत ज्यादा जोर से प्रेस नहीं किया हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखें।
पॉजिटिव ग्रिप हमेशा पकड़े। पॉजिटिव ग्रिप कैसा है कि ग्रिप सिर्फ इतना पकड़े जितने से आप अपनी साइट को कंट्रोल में रख सकें और आप ट्रिगर दबा सकें। ट्रिगर दबाते टाइम आपकी साइट मूव नहीं कर रही है, इट मीन्स कि आपका ट्रिगर भी सही है और आपने ग्रिप भी सही पकड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा प्रेशर आप देना स्टार्ट करते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके बाद में अपना आ जाता है होल्डिंग, रिस्ट, रोल ऑफ रिस्ट। रिस्ट का रोल होता है, एल्बो का रोल होता है, शोल्डर की प्लेसमेंट है, हैंगिंग ऑफ पिस्टल, होल्ड विथ ब्रीथ, ये क्या चीज है, रिस्ट का क्या रोल है। देखिए आप दोनों ही जो तरीके हैं ग्रिप करने के, आज हम बात करेंगे जो 1 पॉइंट वाली ग्रिप है, जो ट्रिगर फिंगर की नेक्स्ट वाली जो उंगली है उससे उसके सेंटर से ग्रिप को पीछे की तरफ प्रेस करके रखना। इससे क्या होगा, आपका रिस्ट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। दिस इज द सिंपल वे फॉर ग्रास रूट शूटर्स। ठीक है, एल्बो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। और ये स्ट्रेट कैसे होगी, तो आप कोशिश कीजिए कि आगे की तरफ जिधर पिस्टल है उधर की तरफ पुश करते हुए आपका हाथ नीचे आए। बिगिनिंग में जब आप इसकी एल्बो स्ट्रेट रखने की प्रैक्टिस करें तो आप कोशिश कीजिए जैसे ही पिस्टल उठाया उसके बाद में आगे की तरफ फॉरवर्ड प्रेस करते हुए आप पिस्टल को नीचे लेके आए। उससे आपका शोल्डर की प्लेसमेंट भी सही जगह पे आ गई। शोल्डर भी जो कई शूटर्स का ऐसे पीछे की तरफ लॉक करके रखने की जो आदत, तो नहीं बता सकते दूसरे की देख करके करते हैं कि शोल्डर उसने उठा रखा है या किसी ने नीचे रखा हुआ है शोल्डर का, अलग अलग एंगल बने हुए हैं, तो उसको कॉपी करते हैं शोल्डर। कॉपी मत कीजिए, कॉपी किसी भी दो लोगों का बॉडी एक जैसा नहीं हो सकता, तो फ्रंट कॉपी। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि रिस्ट आपकी लॉक हो जाएगी ग्रिप से, उसके बाद में एल्बो और शोल्डर की प्लेसमेंट आपकी सही रहेगी अगर आप पिस्टल को उठाने के बाद में आगे की तरफ पुश करते हुए नीचे आ रहे हैं, तो आपका कोनी भी स्ट्रेट रहेगी और शोल्डर प्लेसमेंट भी ओके। हैंगिंग ऑफ पिस्टल, उसके बाद क्या करना है, हैंगिंग ऑफ पिस्टल क्या चीज है। ग्रास रूट के शूटर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप पिस्टल को ताकत के दम पे एमिंग एरिया में रोकने की कोशिश ना करें, उसको हैंग होने दीजिए। पिस्टल को एमिंग एरिया में आने के बाद में लटकने दीजिए और उसको लटके लटके में जितना आपका आर्को मूवमेंट है, जितना आपका स्टेबिलिटी है, उतने एरिया के अंदर, उतने स्टेबिलिटी वाले एरिया के अंदर उस पिस्टल को घूमने दीजिए। अगर वो पिस्टल वहां पे घूमता रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ट्रिगर कंटिन्यू दबाते रहिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये मेरा बेस्ट एमिंग एरिया है, यहाँ पे ट्रिगर दबाऊं तो मेरा शॉट 10 में जाएगा। नहीं, आप 10 मारना मत सीखिए, पहले आप शॉट चलाना सीखिए। तो शॉट चलाना सीखने का मतलब क्या है कि साइट को, आपका जितना बबल एरिया है उसमें आप साइट को घूमते रहने दीजिए और ट्रिगर को कंटिन्यू चलाइए। साइट को रोक करके फायर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मूविंग साइट के अंदर कंटिन्यू ट्रिगर दबाना इम्पोर्टेंट है। इस चीज के ऊपर आप हमेशा गौर रखना, याद रखना इस चीज को कि जो भी न्यू शूटर्स हैं वो हमेशा ये ध्यान रखें, वो अच्छा शूट करने पे कोशिश करते हैं लेकिन आपको अच्छा शूट करने पे फोकस नहीं रखना है, आपको सही चीज को सीखने पे फोकस करना है। और सही चीज क्या है, देखिए पिस्टल तो मूव करता ही रहेगा, आप एक बिगिनर हैं, हो सकता है आपका पूरा 7-8 के दायरे में इतना बड़ा आपका आर्को मूवमेंट हो, आपका पिस्टल घूम सकता है। एक ओलंपिक चैंपियन है, हो सकता है उसका 10 के रिंग के जितना घूम रहा है, घूमेगा सभी का पिस्टल, हिलता सभी का पिस्टल है। आर्को मूवमेंट हर एक शूटर के अंदर होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। अब इस आर्को मूवमेंट के साथ में ट्रिगर दबाना जिसने सीख लिया, जिसको किस चीज की आदत है, जिसमें ये डेरिंग डेवलप हो गई कि घूमते हुए में हिलते हुए में मैं ट्रिगर कंटिन्यू दबा सकता हूँ, वो शूटर मार नहीं खाएगा और वो शूटर हमेशा प्रोग्रेस करता जाएगा। लेकिन अगर आपने कोशिश किया कि हाँ अभी आकर के पिस्टल रुक गया, ट्रिगर दबाते हुए नहीं आए, ट्रिगर को छेड़ा ही नहीं है, पिस्टल लाके पहले रोका उसके बाद ट्रिगर दबाना शुरू किया, जैसे ही दबाना शुरू किया साइट फिर हिल गई, फिर रोक लिया ट्रिगर को, फिर दोबारा से क्या किया स्टेबल हुई, फिर दबाना शुरू किया फिर हिल गई। तो ये चीजें करोगे तो ट्रिगर में जर्क आएगा, एंड में क्या करोगे, दुखी होकर तंग होकर के थक करके जट मार दिया उसने एकदम से जट, तो वो गड़बड़ हो जाएगा पूरा काम। तो ये चीज नहीं करनी है, आपने पहले सही तरीका सीखना है, उसके बाद में जैसे जैसे आपको मूवमेंट कम होगा आपका अगर तरीका सही है आपका स्कोर एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। तो ये है, उसके बाद में ब्रीदिंग के साथ में होल्ड कैसे करना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्राण से बड़ा कुछ नहीं है, प्राण इन द सेंस जो ब्रीदिंग बोल रहे हैं वही प्राण है। प्राण से क्या है
कि ब्रीदिंग से हर चीज अच्छी होती है, ब्रीदिंग से आपका ट्रिगर भी इफेक्ट होता है, ब्रीदिंग से आपकी स्टेबिलिटी भी इफेक्ट होती है, ब्रीदिंग से आपका साइट भी, ग्रिप भी, स्टांस, सब कुछ आपका ब्रीथ से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी सांसें बहुत तेज चल रही है, दौड़ करके आए हो और सांसें उखड़ी हुई है, दौड़ रहे हो तो सांसें तेज चल रही हैं, तो क्या आपको आते ही कोई बोलते हैं एकदम स्थिर खड़े हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, तो हो सकते हो नहीं, बॉडी हिलेगी, सांस चेस्ट अप डाउन हो रहा है, हिलते रहोगे। तो ब्रीथिंग का बहुत बड़ा रोल है, जितनी आपकी सांसें जमी हुई है, सांस को जमाना है, रोकना नहीं है। ये चीज में ट्रिगर में भी उसमें आपकी जो होल्डिंग है उसमें भी इंक्लूड करूंगा, ट्रिगर के अंदर भी इंक्लूड करूंगा, और जब आपका शॉट रिलीज हो रहा है उस टाइम भी आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं कि सांस को ना तो रोकना है ना छोड़ना है, इसको जमाना कह सकते हैं आप। जिसको नहीं समझ में आए वो समझ लीजिए कि उसको रोकनी है, लेकिन जमाना क्या होता है कि ब्रीथ को जमाना है, अपने आप को स्टेबल करना है सांस के साथ में, तो वो आपकी फुल ओवरऑल बॉडी को भी स्टेबिलिटी देगी, आपकी ग्रिप को भी स्टेबिलिटी देगी, आपका ट्रिगर भी बहुत सही रहेगा। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके साथ में। कल डेवलपमेंट लेवल पे हम इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन इनिशियली आप ये मान के चलिए कि आपका ब्रीदिंग का आपकी पूरी शूटिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल है, इंडिविजुअल पार्ट को इफेक्ट करती है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है शूटिंग के अंदर जिसको आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट नहीं करती है, 100% करती है। तो ब्रीदिंग के लिए आपने प्राणायाम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, और उसके अलावा आपने जो कार्डियो एक्सरसाइज है वो भी करनी है। ब्रीदिंग बहुत अच्छा होना चाहिए शूटिंग के। ये आज के तीनों टॉपिक ऑलमोस्ट मेरी तरफ से क्लियर हैं, और जो भी क्वेश्चन आए हैं अपन ले सकते हैं सर अभी। Sir, when I lift my hand in position, my hand stays in open eye. When I do the same thing, hand shift inward, target. ये जिसका सवाल है ये तो इनका सवाल ये है कि आंख मतलब खोल करके टारगेट में होल्ड करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके बाद जब वापस खोलते हैं तो इनवर्ड आपका हैंड आ जाता है। सबसे पहली चीज, मसल मेमोरी पूरी डेवलप नहीं हुई है, पोजिशन आपकी पकी नहीं है, और दूसरी चीज जो है बार बार अगर वहीं आ रहा है तो आप अपने लेफ्ट फुट को हल्का सा 1 से 1.5 सेंटीमीटर आगे कर लीजिए, तो आपका हाथ जो है वापस राइट में चला जाएगा, टारगेट के सेंटर में आ जाएगा। Oprakash, there's a question from Sanjeev Kumar. I'm a para pistol shooter. I can't run and swim. So what do I do? Like my shoulders, I mean, basically strength training shoulders ki kaise karein ye? Uske baare mein thoda sa please guide him. मेरे पास में ऐसा कि काफी shooters हैं जिनकी यही problem रहती है, तो इनके लिए alternate क्या निकाला है? कि एक तो आप जो है वो भस्त्रिका कीजिए, जो प्राणायाम में है भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति को कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, और उसके बाद में आप हाथों से एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, बॉक्सिंग कीजिए हाथों से, तो इससे आपके शोल्डर्स की एक्सरसाइज भी होगी, ऊपर हाथ लेकर के जाइए, कैसे भी करके आपने अपने कार्डियो को मूवमेंट करना है, हाथों को हिलाइए, ऊपर वेट लेके बॉल लेकर के उसको हिलाइए, तो आपकी अपर बॉडी जो है ये स्ट्रांग हो जाएंगे, ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, शोल्डर आपके अच्छे होंगे, बाजू अच्छी होंगी। पिस्टल शूटर के लिए अपर बॉडी का तो काफी रोल है। तो जैसे भी जो भी एक्सरसाइज आपको मिले जिसके अंदर आप हांफ रहे हो, आपकी कार्डियो हो रही है, वो आप कीजिए, आपको करनी है वो चीजें। स्विमिंग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, मुझे पता है ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं कर सकते, तो कार्डियो नहीं कर सकते, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास में। प्राणायाम से सबसे बेस्ट प्राणायाम है भस्त्रिका का प्राणायाम कीजिए, उसके बाद में आप बंद लगाना सीखिए, जैसे इसमें प्राणायाम में लगाते हैं अपन सांस को रोक करके, और चिन टक कर लीजिए और उस अपने अंदर से ऑक्सीजन रखिए, उसके बाद में एक्सहेल करके फिर सांस को रोकिए, चिन को यहाँ पे टक कर लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए और सांस को छोड़ करके एक्सहेल करके रोकिए, इनहेल करके रोकिए, तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। उसके ऊपर हाथों को लेकर के जा सकते हैं, अगर ये भी आप 100-150 बार करेंगे ऐसे हाथों को ऊपर, तो भी आपकी जो अपर बॉडी है और सांस फूलने का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा।
There is another question. Sir, I see the sight with my left eye instead of the right. What position should I stand? Normal position, जैसे भी आप खड़े हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay. उसमें आप चेंज किए तो पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन वैसी रहेगी। Sir, can I take a break after 100 point series? 100 point series मतलब 100 shots के बाद में? Of course, लेना चाहिए break, क्यों नहीं लेंगे? 100 shots के बाद में break लेना ही। Trigger की position सर थंब और इंडेक्स फिंगर के सेंटर में पेन शुरू हो जाता है आफ्टर सम शॉट्स। थंब और इंडेक्स फिंगर पे होगा, पेन होगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। हाँ, वो तो इसके लिए ये जो स्माइली बॉल आती है उससे एक्सरसाइज करके मसल डेवलपमेंट और समथिंग फॉर राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि अगर मैं पुराने शूटर्स की बात करें, हम अगर यहाँ की बात करें तो मेरा ये एरिया अगर आप देखेंगे तो ये एकदम यहाँ से पक चुका है, सेंसलेस स्किन हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। अगर ये वाला एरिया देखेंगे तो ये सेंसलेस स्किन हो चुकी है यहाँ से। अगर ये जो ट्रिगर फिंगर के बाद वाली उंगली जो बच जाती है इसका यहाँ से एरिया देखेंगे तो ये सेंसलेस है, मतलब स्किन इतनी डेड हो चुकी है। तो ये तो आप भूल जाओ कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, इट मीन्स कि नए हो, होने दो इस पेन को, ये डेड हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू शुरू में पेन, नो पेन नो गेन, होने दीजिए पेन को। सर माय हार्ट रेट ऑलवेज रिमेंस 90 अबव, व्हाट शुड आई डू इन स्पाइट ऑफ आई एम डूइंग प्राणायाम? So basically, pranayama is very good to do, but cardio is also important. You should do a lot, little bit of running, which will bring your heart rate down. Yeah. Diet भी बहुत important है कि इसमें आप क्या खा रहे हैं, red chili बंद कीजिए, fried खाना बंद कीजिए, उसके बाद में ज्यादा oil या घी दे रहे हैं तो वो थोड़ा कम कीजिए, और मैक्सिमम कार्डियो करें और डाइट को कंट्रोल करें। उसके बाद आपके थॉट्स भी इफेक्ट करते हैं, हार्ट रेट ज़्यादा होने को, गुस्से में तो नहीं रहते हैं, टेंशन में नहीं रहते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों पे आप एनालाइज कीजिए कि कौन सी चीज़ आप कर। ट्रिगर की पोजीशन आगे होनी चाहिए या पीछे? और ट्रिगर की पोजीशन ना आगे ना पीछे, नॉर्मल रहनी चाहिए। इसके ऊपर कल मैं आपको बताऊंगा, ट्रिगर की पोजीशन ज्यादा आगे रहेगी तो शॉट आपके राइट में भाग जाएंगे, अगर ज्यादा नजदीक रहेगी तो लेफ्ट में भाग जाएंगे। ट्रिगर की पोजीशन आप ये देखिए, जैसे अभी मेरी उंगली आपको दिख रही है, तो अभी आप ट्रिगर को अगर चलाएंगे तो सिर्फ आपका यहाँ से मूव करना चाहिए। जितेश कैन यू, सॉरी Jitesh, can you put sir on the screen, please? So he's already on the screen. Okay. Okay. Yeah. Sir, मेरी finger में बहुत pain होता है, मैं trigger finger tight रखता हूँ। Right, बिल्कुल, मैं ये नहीं रखता हूँ, बोलने से भी मैं बता देता हूँ कि इनको वही है। आप क्या करते हैं कि trigger दबाने के लिए finger को अंदर ही अंदर tight किए जा रहे हैं, लेकिन इसको press नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको, आप कॉन्शियस हैं सही शॉट चलाने के लिए या गलत शॉट से डर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि ट्रिगर दबाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या करना है, आप वाइड टारगेट पे उल्टा टारगेट लगाइए, या टारगेट लगाइए ही मत, सिंपली आप जो आपका टारगेट का प्लेट होता है उसके ऊपर फायर कीजिए और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, फ्री कीजिए इस जिम्मेदारी से। टेन मारने वाली जो जिम्मेदारी ले रखी है, ये जिम्मेदारी आपको जो ट्रिगर नहीं दबाने दे रही है, आपकी उंगली अंदर ही अंदर मसल्स अकड़ रही है, तो आप पहले इसको ट्रिगरिंग सिखाइए इस उंगली को। जैसे अपन बाकी चीजें सीखते हैं, साइकिल चलाना, कार चलाना, स्कूटी चलाना, वैसे इस फिंगर को भी बेचारी को ट्रिगरिंग कैसे करनी है ये सिखा दीजिए। इसको अभी तक आपने सिखाया नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी थोप दी पहले दिन ही कि आपने सही ट्रिगर दबाना है, टेन मारना है, तो इस जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए और इसको फ्री फ्लो में बहना सिखाइए, चलना सिखाइए इसको। सर हाउ टू लॉक द रिस्ट? अगर आपका ग्रिपिंग एक्शन सही है तो रिस्ट अपने आप लॉक हो जाएगी, रिस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये जो हाथ है आपका, ये ट्रिगर फिंगर को निकाल दीजिए, ये जो एरिया बच गया है ग्रिप के ऊपर, यहाँ से प्रेशर लगाइए पीछे की तरफ, ठीक है। अगर ग्रिप ऐसे पकड़ा है, ठीक है, ये ट्रिगर फिंगर रहेगी तो इसको पीछे की तरफ प्रेशर रहेगा और पीछे ये वाला हिस्सा आपका ग्रिप के ऊपर प्रेशर देगा, तो क्या होगा कि आपका रिस्ट अपने आप लॉक हो जाएगा।
या फिर दूसरा आप ये कीजिए कि यहाँ पे ट्रिगर फिंगर को छोड़ने के बाद में यहाँ पे पिस्टल को लटका दीजिए, यहाँ लटकाएंगे तब भी आपकी रिस्ट लॉक हो जाएगी। इसके ऊपर डिटेल में मैं कल बताने वाला हूँ, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि ये वाला जो एरिया है इससे आप ग्रिप पर प्रेशर लगाइए, मैक्सिमम प्रेशर आपका यहाँ से रहना चाहिए, बाकी सबका ओवरऑल सिर्फ लगा हुआ रहना चाहिए, या यूं मान के चलिए कि 20% प्रेशर रहेगा इन बाकी जगहों से, सब प्रेशर यहाँ से रहेगा। ट्रिगर द नेक्स्ट इज सर, मेरे को ट्रिगर आगे रखना चाहिए या सीधा चलना, स्ट्रेट चलते हैं? नहीं, ट्रिगर स्ट्रेट पीछे की तरफ आना चाहिए। मैंने बता दिया कि ये जो मेरी फिंगर दिख रही है, आप अगर ज्यादा देखो आपने पूरी उंगली सीधी कर दी, इतनी इसकी दूर रखा है, तो अभी अगर इसके ऊपर मैं प्रेशर मारूंगा तो क्या होगा, यहाँ से पूरी उंगली जो है मेरी टेंशन में आ गई, पूरी उंगली की मसल्स आ गई। ट्रिगर इतना नजदीक या इतना दूर होना चाहिए कि आप जब ट्रिगर दबाते हो तो आपके सिर्फ उंगली के आगे के दोनों कट ही मूव करें, पीछे का ये हिस्सा बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए। ये ट्रिगर फ्री मूव कर सको आप, इतना ही होना चाहिए। और जनरली अगर इसका एग्जांपल आपको चाहिए तो मैं एक और आपको मैं पीपीटी से मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे होता है ट्रिगर का प्लेसमेंट। मैंने पिछली बार बताया भी था, ये देखिए ये जो ग्रिप इसने पकड़ रखी है तो ट्रिगर कितना दूर है उंगली से, ये एक एकदम से एंगल बन रहा है, सबसे छोटे वाली उंगली, उसके बाद उससे बड़े वाली, फिर उससे बड़े वाली, और उसके बाद पर ट्रिगर फिंगर। अब ये जो ट्रिगर फिंगर है, ट्रिगर फिंगर से लेकर के सबसे छोटे वाली उंगली तक का एक एंगल बन रहा है। अगर हम इसके ऊपर स्केल रखेंगे तो ये एकदम एक ही एंगल में जाएगी, ना तो ट्रिगर फिंगर ज्यादा अंदर की तरफ है ना ज्यादा बाहर की तरफ है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इसी पोजिशन के ऊपर आपको इसने रखना चाहिए। दूसरा ये देख लीजिए, यहाँ पे ट्रिगर ट्रिगर आपका कहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है? ओम प्रकाश जी, वी जस्ट गॉट 30 सेकंड्स लेफ्ट, अब्रप्ट एंडिंग हो जाएगी, सो वी कैन क्लोज द सेशन फॉर टुडे एंड टुमारो डेवलपमेंट में यू कैन टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू, या थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।